आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग आज ही हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आप भी अगर रोज प्याज खाते हैं तो ये वीडियो सचमुच आपके लिए है। आप नहीं जानते कि आप रोजाना प्याज खाने से कितनी बीमारियों से बच रहे हैं। दरअसल प्याज हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद तत्वों को अपने में समेटे हुए होता है। प्याज तो गुणों की खान है। प्याज के रस को सरसों के तेल में मिलाकर जोड़ों पर मालिश करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। माना जाता है कि इस नुस्खे को 2 महीने तक लगातार आजमाया जाए तो बहुत फायदा होता है। प्याज के रस और नमक का मिश्रण मसूड़ों के सूजन और दांत के दर्द को कम करता है। प्याज के बीजों को सिरका में पीसकर दांत खाज खुजली मिट जाते हैं। आइए अब विस्तार से देख लेते हैं प्याज के फायदों के बारे में। कब्ज को दूर करता है। प्याज में मौजूद रेशे पेट के लिए काफी फायदेमंद हैं। यदि आपको कब्ज की शिकायत है तो कच्चा प्याज रोज खाना शुरू कर दीजिए। आपकी कब्ज छूमंतर हो जाएगी। डायबिटीज को करता है कंट्रोल। रोजाना प्याज खाने से इंसुलिन पैदा होता है। यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं तो इसे खाने के साथ रोज सलाद के रूप में खाएं, आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। दिल से संबंधित बीमारियों को खत्म करता है। कच्चा प्याज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें मिथाइल सल्फाइड और एमिनो एसिड होता है, इसलिए यह कोलेस्ट्रॉल को भी काबू करता है और दिल की बीमारियों से बचाता है और हमारे दिल को रखता है सुरक्षित। एनीमिया को ठीक करता है प्याज। एनीमिया की समस्या होने पर शरीर कमजोर होने लगता है। इस समस्या को दूर करने के लिए रोजाना प्याज खाएं। इससे शरीर में खून की कमी नहीं होती तथा शरीर स्वस्थ रहता है। खून बहने की समस्या को खत्म करता है प्याज। नाक से खून बह रहा हो तो कच्चा प्याज काटकर सूंघ लीजिए। इसके अलावा यदि पाइल्स की समस्या है तो सफेद प्याज खाना शुरू कर दीजिए। आपको इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी। गले की खराश को मिटाता है। यदि आप सर्दी कफ या खराश से पीड़ित हैं तो प्याज का रस पीजिए। इसमें गुड़ या शहद मिलाकर पीना बेहद लाभकारी होता है। बालों की समस्याओं में रामबाण है। बाल गिरने की समस्या से निजात पाने के लिए प्याज बहुत ही असरकारी है। बालों पर प्याज के रस की मालिश करने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। इसके अलावा प्याज का लेप करने पर कम उम्र में सफेद हुए बाल फिर से काले होने लगते हैं। पथरी को गला देता है। प्याज के रस में चीनी मिलाकर खाली पेट लेने से पथरी मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है। इसका सेवन 1 दिन में 1 बार ही करें। दोस्तों आपने देखा कि प्याज कितना गुणकारी है। हालांकि ये खाने के बाद मुंह में बदबू जरूर करता है, लेकिन इसका भी उपाय है। आप एक इलायची खा लें या आप सौंफ का सेवन कर लें, और सबसे अच्छा है थोड़ा सा गुड़ आप मुंह में अगर डाल लेंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।